हेलो क्लास एट, होप यू आर सेफ एट होम एंड डूइंग योर स्टडीज. वी वर स्टडीइंग लेसन नंबर 5, एडजेक्टिव्स. एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट एडजेक्टिव्स, दैट एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. एंड हाउ कैन वी फॉर्म एडजेक्टिव वर्ड्स, आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल्सो. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सिमिलीज. सिमिलीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ टू डिस्क्राइब टू थिंग्स ऑफ सिमिलर क्वालिटीज. अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स इन एन इंटरेस्टिंग वे. द वर्ड्स लाइक और एज आर यूज इन अ सिमिली. वी वैन देर इज वर्ड लाइक और एज, दैट वर्ड दैट इज कॉल्ड सिमिलीज. सम कॉमन सिमिलीज आर एज क्यूट एज अ किटन. सो वी कैन कंपेयर एनीथिंग विद किटन एंड वी कैन से एज क्यूट एज अ किटन. एज बिजी एज बी, इफ समवन इज बिजी इन डूइंग वर्क सो वी कैन से एज बिजी एज अ बी. वी कैन कंपेयर दैट मैन और दैट थिंग विद दिस बी एंड वी कैन से एज बिजी एज बी. इन द सेम वे एज इनोसेंट एज लैम्ब वैन any baby or child is innocent, we can compare that child or baby with lamb and we can say as innocent as a lamb. Same is the case with this simile: as white as snow, as black as coal, as brave as lion, as green as grass, as cool as cucumber, as light as feather, as blind as a bat, as red as rose, as sweet as sugar, as hard as nail, as tall as giraffe. So these are some examples of similes. And we can use these similes in sentences, and you will read these similes and other similes also, other examples are there. You will read in literature, in poems also. So these all are similes, and we will do fill in the blanks later. I'll send you the work. Thank you.